आधुनिक भारतीय इतिहास में गवर्नर और वाइसराय की श्रृंखला में आज हम लॉर्ड कार्नवालिस को पढ़ेंगे। 1786 से 93 और 1805 ईस्वी इनका कार्यकाल। इस समय जिले के समस्त अधिकार इनके समय ही कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जो जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 4 सर्किट अदालतों की स्थापना की गई। इन्हें भ्रमणशील अदालतें भी कहा जा सकता है। भारत में जो आधुनिक अर्थ में पुलिस व्यवस्था है, दरोगा या थानों का सूत्रपात है, वो भी लॉर्ड कार्नवालिस के समय ही हुआ। इन्हें भारत में सिविल सर्विस का फादर कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक। और ऊंचे पदों से इन्होंने वंचित किया भारतीयों को और न्यायिक क्षेत्र में पृथककरण को आरंभ किया। इसके अंतर्गत कार्नवालिस कोड का इन्होंने निर्माण किया। और जो भू राजस्व प्रणाली में हम स्थायी बंदोबस्त पढ़ते हैं, तो 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने इसे लागू किया था, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया और उन्हें 90% हिस्सा जो अपनी उपज का वो कंपनी को देना होता और जो 10% हिस्सा है वो स्वयं रखना होता था। ये ऐसे हमारे जो लॉर्ड कार्नवालिस हैं, इनकी जो समाधि है वो गाजीपुर में है, भारत में ही इनकी समाधि है। तो लॉर्ड कार्नवालिस के विषय में इतना ही। थैंक यू।